फेस्टुडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावीद हुसैन जैदी। आज हम मौजूद हैं डिप्टी मेयर नगर निगम मेरठ राबुद्दीन बालियान जी के साथ। जिस तरह से सरकार की नाकामी बहुत ज्यादा जाहिर हो रही है और डॉक्टरों को जो इक्विपमेंट मिलनी चाहिए, पीपीई किट वगैरह, N90 मास्क, ये नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी उनकी शिकायत की बार बार सामने आ रही है, इसके बारे में क्या? देखिए, सरकार ने इस तरफ कोई बजट जारी नहीं किया है। जैसे मेले या धार्मिक आयोजन के लिए हजारों करोड़ बजट कर दिया जाता था, ये महामारी पूरे देश में है और प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार ने इसके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं जारी किया गया, जिससे डॉक्टरों को स्वास्थ्य किट खरीदी जा सके या सफाई कर्मचारी को स्वास्थ्य किट खरीदी जा सके या हमारे पुलिस बंधु जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी जा सके। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, सरकार से अपील करूंगा कि जो रोज लाकर कमाकर खाने वाले लोग हैं उनके सामने रोजी रोटी की लागत बढ़ गई, वो परेशान है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, तो उनके खाने पीने की जरूरत की पूर्ति सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसे समय से पूरा करें। अगर समय रहते हुए कोई नहीं की तो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, वो बांधने मारने को तैयार हो जाएंगे, यानी संभालना मुश्किल, बड़ा मुश्किल हो जाएगा समय रहते अगर ये कदम ना उठाएंगे। तो इसमें और क्या मतलब लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो धैर्य का परिचय दें, एकता का परिचय दें इस महामारी से लड़ने के लिए। अगर हम यूनाइट होंगे, एकता में शक्ति है, ये कुछ भी नहीं है कोरोना महामारी, बड़े आराम से भारतवासी हार सकते हैं। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है, इसकी जनता पर गर्व है कि एमोशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, धैर्य क्षमता बहुत अधिक है, ये इसे झेल लेगा और आसानी से हरा देगा। अपील करना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने लागू किया है उसका सही रूप से पालन करें और एक दूसरे के आपस में सहयोग करके इस समय को आसानी से पार करें। इसके बाद इकरामुद्दीन बालियान जी ने गरीबों को खाना बांटा, जो कि नगर निगम से आया हुआ था। देख सकते हैं आप किस तरह से लोग उनके पास आ रहे हैं लॉकडाउन में, जिस तरह से लोगों को खाना बांटा जा रहा है। ये नगर निगम की स्कीम से काफ़ी लोगों को